जो है मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री जी में जो है पहले हम एक मेन चीज पे बता दें बात कि ये व्लॉग किस बारे में था। तो नगर निगम कानपुर के थ्रू कानपुर स्मार्ट सिटी के अंदर जो भी होता है वो दीपोत्सव हो रहा है, जो कि जो नगर आयुक्त हैं कानपुर नगर निगम के, उनकी तरफ से ये एक इनिशिएटिव हुआ है कि एक दीपोत्सव नाम से, जिसे मेला टाइप कहते हो, वो आयोजित कराया जा रहा है मोती झील में ही, नगर निगम के मेन ऑफिस के ठीक सामने वाले बड़े से ग्राउंड में। तो ये पूरी उसकी ब्रीफिंग है, आप अच्छे से देख लो एक बार, ठीक है। ये सामने वाला है, जो भी पढ़ना हो आप पॉज करके पढ़ लेना। और ये पीछे जिसमें क्या क्या प्रोग्राम्स होने वाले हैं उसके बारे में पूरी बात हुई है। जैसा कि आपको अब मैं बता चल रहेगा कि मेरे को बुलाया गया था वहाँ पे एज अ ब्लॉगर, इनवाइट आया था। तो हम जितने भी ब्लॉगर थे उन सभी को ये तीन पासेस उन्होंने, जो कि हमारे आप कह सकते हो कि VIP पास हैं, ये हमको वहाँ से मिले। तो हम 28, 29 और 30 तारीख के तीन पासेस हैं जिसमें हम वहाँ जा सकते हैं। हम जब वहाँ पे जाएंगे तो उसका एक नया अलग से व्लॉग आएगा, उसके बारे में भी हम आपको पूरा दिखाएंगे। इस मेरी इस क्लिप के बाद आप देख लो कि वहाँ के जो ऑफिशियल स्टेटमेंट हमने कैप्चर किया है वो, और उसके बाद इस पूरे व्लॉग को हम शुरू करते हैं। ये अलग से ऐसा बैठ के स्टेटमेंट देने का मेरा मतलब ये था क्योंकि बिकॉज वहाँ पे हमारे सारे ब्लॉगर्स फ्रेंड मिल गए थे, तो हम लोगों ने बड़ी, जिसे हिंदी में तफरी कहते हैं, तो वैसा सब किया, तो वो थोड़ा कॉन्टेंट से अलग चला जाता। तो जो मेन बात थी, जो नॉलेज और इन्फॉर्मेशन शेयर करने वाली बात थी, वो मैंने अभी इस वीडियो को स्टार्टिंग कर दी, आपको बता दिया है। बाकी आप लोग अपना अब ब्लॉग इन्जॉय करिएगा। आप में से जिसको भी इंटरेस्ट हो आप जा सकते हो कानपुर नगर निगम द्वारा आयोजित दीपोत्सव 2021। बहुत ही बड़ा सा एक आयोजन होने आ रहा है जिसमें हमारे कई सारे लोग, राजेश श्रीवास्तव, दीपक त्रिपाठी, भोजपुरी लोग गए, असित त्रिपाठी जिन्होंने तू बन जा गरीब गली बनारस की एक गाना था वो गाया, तो ये सारे लोग आने वाले, जो भी आएगा बहुत ही मज़ा आने वाला है। थोड़ी बहुत जो वहाँ पे हो रही है तैयारियाँ वो मैं इस क्लिप में भी आगे डाल दूंगा, आप देख लेना। बाकी आप इन्जॉय करिए, ज़रूर जाइएगा अगर आप कानपुर से बिलोंग करते हो, अगर बाहर से भी और अगर आ सकते हो तो। ये पूरा समारोह जो चलेगा वो चलेगा 28 से 3 नवंबर तक, लेकिन जो उसके मेन कल्चरल एक्टिविटीज़ वाले जो प्रोग्राम्स है वो 28, 29 और 30 तारीख को हैं, उसी के मेरे पास ये तीन पास है। सांस्कृतिक कार्यक्रम भी यहाँ पे होंगे, कल्चरल प्रोग्राम्स होंगे, भजन संध्या होगी, कुछ फोटो शूटिंग होगी। 28 तारीख को 5 बजे शाम को इसका एक इनॉग्रल सेरेमनी होगी, उसके बाद में 6:30 बजे से लेकर 10:30 PM रात तक एक कल्चरल प्रोग्राम होगा। 29 तारीख को भी यही शेड्यूल रहेगा 6:30 बजे से लेकर 10:30 बजे तक, और 20 तारीख को भी यही रहेगा 6:30 बजे से लेकर 10:30 बजे तक। बहुत अच्छा सा आयोजन उन्होंने डाला है और आप सभी लोगों के सहयोग से इस आयोजन को बहुत अच्छा करना है। और बहुत हेलो, नमस्कार, खुश आमदीद, मैं स्वागत सामान वान अपने रख रहा हूँ क्योंकि 12 बजे मुझे KDA जाना था, पहुँचना था एक्चुअली 12 बजे, एक मीट या मीटिंग कह सकते हो म्यूनिसिपल कमिश्नर ऑफ कानपुर के साथ। और यहाँ पर देखो टाइम हो रहा 11:34, मतलब हम इतना लेट हो गए हैं कि मुझे खुद नहीं समझ आ रहा। तो अब बस सामान वामान लेके सीधे वहाँ निकलते हैं, आगे हम वहीं पर मिलते हैं क्योंकि अगर हम ये सब करने लगे तो वहाँ लेट जाएंगे तो अच्छा ही लगेगा। ठीक है, मिलते हैं। सुबह सुबह हमने फ़ोन किया था अमन को कि भैया आ रहे, बोले आ रहे हैं, तो ये भी आ गए, ये हम भी आ गए, हम ये तो बहुत दिनों बाद आए, मिलते नहीं तुम, यही नहीं मिलते बड़े लोग, अच्छा बिजी रहते हैं, दिल्ली तुम घूम रहे हो, हमसे कह रहे हो, अरे तो कानपुर बात हो रही ना। तो आ गए यही, ये जो है अपना क्या है, ये है KDA ऑफिस वगैरह मोती झील में। अब अंदर देखते हैं क्या भाव चल रहा है। हेलो, स्टोरी स्टोरी बनाई जा रही है, जीने चढ़ के हम ऊपर जा रहे हैं, यहाँ पे तो है वो है कॉन्फ्रेंस हॉल ना। हाँ वहीं चलते, अरे तुम कब लौटे, अभी तू सार आ गए हैं, चलो वाओ, लुकिंग येलो येलो डेडी पहन लो, नहीं आई देखो सस्ते मलाइका, कौन तुम्हें सस्ती मलाई कर रही है। नहीं,
एक सीट रोक लेना, साहिल आ रहा है इसके लिए, साहिल के लिए एक सीट रोक लेना। तो है ना, उधर चल देंगे। अच्छा ठीक है, काम करो, यहाँ ये लिम छोड़ दे, हम अपनी मेन सीट पे चले जा रहे हैं। कौन वाली? ठीक है, वो हमारी सीट है, वहीं चले जाते हैं। चलो बढ़िया, थैंक्स। सुनो, डब्बे भी मिले हैं हमसे, कह रहे लेके चलो, कहाँ लेके चलो, सब भागे पानी नहीं पी, समझ रहे हैं। इसे कहते हैं रिफ्रेशमेंट। हम लोग चल रहे हैं वहाँ, देखो बात ये है, वहीं बताते हैं। सारे लोग चले गए, हम लोग तनवानी खाने रुके हुए थे। अब मास्क हटाओ अपना, चला दिखाओ जनता को, चला दिखाओ। ये हमसे कह रहा था व्लॉग नहीं लेते, ये मिलते ही नहीं। अरे सर बड़े लोग, अरे बहुत बड़े लोग हैं भाई, टूपी आइडेंट है। जाना किधर है? चलो अब जीने उतर ना कैमरा, अब तनवानी खाना प्रेफर करेंगे हम, मिलते थोड़ी देर बाद। सर हमारा जो है बिल्कुल, थैंक यू सर, इतना फील। तो जंगली अंकल जी आपने देखे ना फटाफट टाइम लैप्स वाले मोड पे, उनको लग रहा था कि हम यूट्यूब से नहीं, हम कोई न्यूज़ चैनल से, तो अपना दुख की वो सड़क बन जाती। हमने भी उनका इल्यूजन एक खोने नहीं दिया, उनको भी खुशी होने दो, हो सकता है टीवी पे आ जाए। सही है, सही है। तो शादी किसकी है? जी में हमारी शादी है, इनकी शादी है। 2-3 लाख आदमी का खाना पीना पीछे ठीक है, हमारी शादी है तो हमारा 2-3 लाख आदमी का खाना पीना, जैसे देख सकते हो पूरा सा पंडाल लगवाया हमने बड़ा सा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा शादी का प्रोग्राम, आलू टिक्की में किधर? वो आलू टिक्की उधर देखिए, वो पहला स्टॉल लगा है वहाँ पे पुदीने वाला बताशा, हाँ। दूसरे वाले में खट्टा मीठा, हाँ। उसमें लगेगा हमारा कौन सा, उसमें हमारा वो वाला होगा गरम मसाला, बोलते हैं गरम मसाला, गरम मसाला वाला, ठीक है। और देन आपके पुदीने वाला, और केटरिंग शेफ तो चार की रहेगी, वो हमारी रहेगी, वो इनकी रहेगी। और इधर हमारा वहाँ पे थोड़ा पूजा का कार्यक्रम होगा, और ये हमारा इधर सा उसका यहाँ पे हमारा खाना बनाएगा, बेसिकली नान वगैरह जो बनती है वो साइड बनाइए। चाउमीन वाउमिन है? पूरी व्यवस्था है चाउमीन वाउमिन, क्योंकि चाउमीन के बिना शादी अधूरी है। तो बहुत तगड़ी शादी करने वाले भैया। रियलिटी ये यहाँ पे बहुत बड़ा क्या होने वाला है, बेसिकली ये दीप उत्सव होने वाला है कानपुर नगर निगम की तरफ से, तो उसी की तैयारियाँ हो रही हैं, इसीलिए हम लोग भी यहाँ हैं, ठीक है। और हमारी भीड़ भी वहाँ है, वो जा रहे हैं, उनका मतलब ही नहीं हम लोगों से, एक्चुअली में अलग है, शायद हमें मतलब नहीं उन लोगों से। एग्जैक्टली, ये ज़्यादा अच्छा लगा सुनने में। बहुत ही बड़े लेवल पे होने वाले यहाँ सब, इस स्टॉल वगैरह लगेगा, फेयर मतलब हिंदी में बोला जाए तो मेला होने वाला, घूम फिर के मजा आने वाला, सही बात है। 28-29-30 चलेगा, वो भी कानपुर, और बहुत सारे सेलिब्रिटीज भी आएंगे उसमें, जैसे कि हम आएंगे और ये आएंगे, ये भी आएंगे, इतने बड़े बड़े सेलिब्रिटी आने वाले हैं भाई साहब, सीन्स अलग होने वाले हैं। हम लोग जब आएंगे तो वाला ब्लॉग भी देख लेना, तो यही चल रहा है। हैं तो ये वाली लड़की वापस आ गई है। Hi guys, yo! इसको हमने यो करने के लिए रखा हुआ, स्पेशल वो है, गेस्ट है हम, और क्या हमारी स्पेशल अपीयरेंस होती है। फिलहाल आई वांट मिस टीन इंडिया दिस ईयर, एंड ये लड़की होके भी बड़ा आदमी बन गई है। ये जो भाई की आपको थोड़ी थोड़ी चीजें दिख रही ना, ये बहुत ज्यादा होने वाली है, अभी तो सिर्फ तैयारी चल रही है। क्यों अमन, अभी तैयारी चल रही है, ये तो है ही नहीं कुछ अभी, जन्माष्टमी अभी अभी, अभी अरे अभी स्टॉल लगेंगे भाई, अभी अभी तो सिर्फ तैयारी हो रही है ब्रो, अभी कल से लाइव हो जाएंगे, जिस दिन फेयर हो गया ना उस दिन देखना, उस दिन लाइव करवाएंगे, पूरा लाइव सीन्स अलग हो जाएंगे। अब भाई लकी ड्रॉ पर्ची निकाली तुमने? नहीं भाई, ये गाड़ी मिल रही है ये वाली, तमाकू घिस रहा है, लाओ ये कौन है ना, आप लोग को माउथ कैंसर हो सकता है भैया। वाह यार, प्रो की तरह कही जाती, करण अर्जुन वाला बोलो जुबा के, अरे बहुत बढ़िया था भैया।
लाला यहाँ आओ, जा बीडी दे जा। तो सफर का स्वाद अपना स्वाद भरा सफर करते करते तमाकू खाना सीख लिए। देसी हमारी देसी तमाकू है बेसिकली तनवानी। तमाकू को पता नहीं करते, नमकीन का प्रचार करते हैं। तनवानी पेड़ प्रमोशन सस्ती में हुई। तो यहाँ आए थे यार, ये पास वास मिले, इसमें तीन पासेस है ना भाई, बिल्कुल भाई। तीन दिन के तीन पासेस, इतने सबको मिले, सबको। अब आएंगे फिर गदर काटेंगे। ये ब्लॉगिंग चल रही है तुम्हारी? और यार तुम ऐसे ही ले लेते हो यही वाले तीन पासेस मिले मेरे दिन के, हर दिन के विद कलर। अब बात ये है कि बहुत बकैती हो गई है। हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट आने वाले व्लॉग में। तब तक लिए खुद ख्याल रखिए, दूसरों का ख्याल रखिए। मेक लाइफ ब्यूटीफुल एंड लाइव हेल्दीएस्ट वर्जन। ये पुराना हो गया, अब घर से निकले, लोगों का विकास करें। बाय बाय, साइनिंग ऑफ।